आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मेरा जो फीलिंग्स है वो शेयर करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में अगर आपको सच में कुछ जानना है तो आप गूगल करके जान सकते हो, विकीपीडिया में जान सकते हो, यूट्यूब में जान सकते हो। लेकिन आज मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है उसके बारे में आपसे कुछ बात करूँगा, जो मेरा फीलिंग्स है वो शेयर करूँगा। एक्चुअली मैं अभी स्टेडियम में आया था और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना दे रहा है और साथ ही साथ मेरा तबीयत भी ख़राब है, इसलिए डिसकंटिन्यू हो रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करना, तो गला भी ख़राब है। लेकिन जो फीलिंग्स है वो मैं एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, और फीलिंग्स कुछ इस तरह का है जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है उसके बारे में। तो चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बस कुछ फीलिंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, यानी कि 11 जुलाई 2019। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में जो प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। आज के डेट में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में अगर आप नेट पे जाके सर्च करोगे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना है। फिलहाल तो आपको मैं बता दूं वर्ल्ड में 700 करोड़ आबादी है इस वक्त, 700 करोड़ आबादी, ओके। और चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, उसके बाद आता है भारत के स्थान, मतलब भारत सेकेंड पोजिशन में है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, देखो चाइना का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इसलिए उनके पास उतना प्रॉब्लम नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन भारत के पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं और उतना ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इसलिए भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैं तीन बिग इशू के बारे में बात करूँगा, तीन बिग इशू जो इशू अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है इस तरह से बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो जो तीन बिग इशू है वो जो फेस करना पड़ेगा मैं उसी के बारे में आज बात करूंगा। तो नंबर वन में आता है पानी की कमी और खाने की कमी, मतलब कि जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं बढ़ता हुआ पॉपुलेशन के साथ साथ वो कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अभी आपको पता है 2020 में भारत में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब कि जो पानी है पीने का पानी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो लगातार बढ़ता हुआ पॉपुलेशन के साथ साथ तो पानी का कमी आ ही जा रहा है, तो खाने का भी प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। तो खाने की कमी और पीने का जो पानी है उसका कमी पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ आ जाए। नंबर टू में है अनएम्प्लॉयमेंट, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोगों को बेरोज़गार जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है क्योंकि मतलब कि जॉब उतना ज़्यादा है नहीं इंडिया में, और आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो उतना ज़्यादा जॉब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो तो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन के साथ साथ जो बेरोज़गारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा भी प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि अगर आप को जो पॉपुलेशन है अगर वो बढ़ता है तो आपको घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, और वो होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण से, मतलब कि जंगल जो है उसको काटा जाता है, फिर ज़मीन बनाया जाता है, फिर घर बनाया जाता है, खेती करने के लिए ज़मीन जो है वो खेती करने के लिए वो बनाया जाता है। तो तीन ये बिग इशू जो है डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम, जो है पीने का पानी और खाने का जो प्रॉब्लम, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ये तीन प्रॉब्लम पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे इंडिया में आ जाएगा 2025 के अंदर। तो करना क्या है इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे और ठोस कदम लेना होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ठोस कदम लेंगे, एक कड़ी से कड़ी रूल्स और लॉ लाएंगे हमारे देश में ताकि पॉपुलेशन थोड़ा कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं है। पॉवर्टी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंटेशन बढ़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ते हैं, फूड क्राइसिस होता है, वाटर क्राइसिस होता है, ये सारा प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है और वो है ओवर पॉपुलेशन। तो बस आज इतना सा ही बताना था आज की वीडियो में। अगर वीडियो से आपको कुछ पता चला है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तबीयत ख़राब है, डिसकंटिन्यू हो रहा है यूट्यूब में आना, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा उम्मीद करता हूं, और बहुत जल्द लौट के वापस आऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल प्रीतम दास में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, लोगों को मदद कीजिए और हो सके तो देश को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।